दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के माबैन खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन ही खेल का इख्तिताम हो गया। इस मैच में इंडिया की जानब से कई टॉप परफॉर्मेंस देखने को मिली। इस मैच में क्या कुछ हुआ और इस मैच पर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने जो बयान दिया है वो भी इंडिया के लिए सुनने वाला है। बताएंगे आपको इस मैच की मुकम्मल तफसील और शुएब अख्तर का बयान दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जुड़े बेल के आइकन को दबा दें। जी तो दोस्तों, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान चार टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ का पहला टेस्ट ख़त्म हो चुका है। इस पहले टेस्ट मैच में इंडिया ने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की, जो कि ऑस्ट्रेलिया के लिए शर्मनाक शिकस्त है। इंडिया ने इस मैच को एक इनिंग्स और 132 रन से जीत लिया है। इस मैच में इंडिया की जानब से रोहित शर्मा ने 120 रन बनाए, रविंद्र जडेजा ने 70 रन बनाए, जबकि अक्षर पटेल ने 184 रन बनाए। बॉलिंग की बात करें तो अश्विन ने 5 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर शुएब अख्तर ने कहा कि इंडिया ही टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल जीतेगी।